नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 की, और यह है 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी यानी कि बेलगाम कर्नाटक के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जाएगा। और सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास कार्यक्रम है जो साल 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है, और विशेष तौर पर विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में जापान के साथ धर्म गार्जियन वर्तमान वैश्विक परिस्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षित चुनौतियों के संदर्भ में निर्णायक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस अभ्यास के दौरान जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में जंगी कार्रवाई पर प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। और बता दें इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, तो भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवी सैनिक इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं, ताकि जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में विभिन्न कौशलों की योजना तथा निष्पादन अंतर संचालन बढ़ाने के लिए युद्ध कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जा सके। और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की टुकड़ी 25 फरवरी 2022 को अभ्यास स्थल पर पहुंची, जहां भारतीय सैनिकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और 12 दिन तक चलने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक उपचार और बिना हथियार के मुकाबला करना, और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट फायरिंग अभ्यास शामिल है, जहां दोनों पक्ष संयुक्त रूप से संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए अच्छी तरह से विकसित सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला के रूप में प्रशिक्षण योजना निर्माण और क्रियान्वयन करेंगे। और संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और संयुक्त युद्ध चर्चा और संयुक्त प्रदर्शन का समापन 8 से 9 मार्च 2022 को निर्धारित 2 दिवसीय वेरिडेशन एक्सरसाइज के साथ होगा। और वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए सामरिक कौशल को बढ़ाने और बलों के बीच अंतर संचरण बढ़ाने और एक सेना से दूसरी सेना के संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और एक्सरसाइज धर्म गार्जियन से यह कि भारतीय सेना तथा जो जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच जो रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ेगा, जो बदले में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।